मैसेज आपको पूरा ऑल द माय फ्रेटर्निटी ब्रदर्स ऑफ FIA हु हैव अ होम ओवर हियर द अदर हैव हु आर इन लखनऊ एट द मोमेंट डूइंग द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग हम यहाँ आपके सामने इसलिए आए हैं कि हम एक 100% वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो खुद मेहनत करके भारत माता का नाम अमेरिका में ऊंचा करना चाहते हैं जिससे विश्व भर में हमारे भाइयों और बहनों को एक प्राउड फीलिंग महसूस हो कि हमारे भारतीय भाई बहन जो भारत में नहीं रहते जो प्रवासी भारतीय हैं वो यहाँ से जुड़े हैं और उनके दिल में भी भारत माता के लिए उतना ही प्यार है जितना आप सब लोगों को। उसी के संदर्भ में पिछले 40 साल से भी ज़्यादा से न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन में एक परेड होता है जो 1980 में शुरू हुआ था और जो एक बहुत ही छोटे इंटेंशन से शुरू हुआ था। एक 30 से 40 आदमियों ने इकट्ठा होकर कहा कि भारत माता की याद बनी रहे इसकी आज़ादी के दिन संडे को, जैसे कि वहाँ सारे इवेंट संडे को होते हैं, एक संडे लेके हम ये इवेंट वहाँ करें। इस हेतु से ये एक इवेंट शुरू हुआ था और फिर उसमें काफ़ी लोग जुड़े। आज वो भारत के बाहर का एक दुनिया का सबसे बड़ा इंडिया डे परेड है जिसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं कोविड से पहले। तो मैं मेरे सीनियरों को जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था उनको बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये सेल्फलेस एक्ट से भारत माता का नाम रोशन करने के लिए एक मुहिम शुरू की थी जिसका नाम है इंडिया डे परेड। ये परेड आज सबसे लार्जेस्ट परेड है और उसकी गरिमा जो हम 2 साल से परेड नहीं कर सके हैं उस कैसे रिस्टोर हो और कैसे जिस तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है उसका राइट मैसेज अमेरिका और अमेरिकन्स को मिले और इसका ग्रैंड्योर रिस्टोर हो, वो हेतु को लेके हम 21 अगस्त को ये परेड करने जा रहे हैं। वो परेड से पहले भी पेंडेमिक में हमने 2 साल टाइम्स स्क्वायर पे इंडिया का झंडा लहराया है। दूसरे साल में हमने इंडिया का सबसे बड़ा झंडा जो न्यूयॉर्क में लहरा था वो हम ही लोगों ने वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क न्यूजर्सी कनेक्टिकट एंड न्यू इंग्लैंड ने किया था टाइम्स स्क्वायर पे। आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो और वो भी इसी हेतु से किया गया था कि भारत और भारतीयों का नाम दुनिया भर में रोशन हो और भारत माता की गरिमा और उनकी प्रतिष्ठा पहले।